हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने अपना टाइटल देख ही लिया है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं अपनी तैयारी के, नेट JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्वालिफाइड भी हैं और PhD थीसिस में आप काम करना चाहते हैं और PhD में आगे आप एनरोल करवाने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप नेट JRF के बाद अपना PhD में एनरोल करवाएंगे और आप एक PhD करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, आपको कुछ सर्टेन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको करनी होती हैं। आपने रिसर्च एप्टीट्यूड अगर पढ़ी है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपने पढ़ा होगा, रिसर्च करने से पहले आपको PhD में एनरोल कराने से पहले अपना एक सिनोप्सिस बनाना होता है और उसमें आपको बताना होता है अपना रिसर्च का टॉपिक और रिसर्च के फील्ड में आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, आपका रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, क्या वो क्वेश्चन सही में एग्जिस्ट कर सकता है, क्या वो जो PhD है वो आपकी फायदेमंद आपके लिए रहेगी, क्या उस PhD जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको क्या दिखाना होता है कि आपने आपका जो PhD टॉपिक है, आपके PhD टॉपिक पर क्या क्या पीछे काम हो चुके हैं। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब है कि प्रीवियस उस टॉपिक पे कितना काम हो चुका है जो कि आपको फिर से नहीं दोहराना है, बल्कि जो कि उस टॉपिक पे पर्टिकुलर काम हो चुका है, आपको उस जो उन टॉपिक्स में छूट गया काम, आपको वही चीज आगे एलेबरेट करनी है और आगे सोसाइटी को और ज्यादा नॉलेज आपको आगे ले जा करके उसमें देनी है। लेकिन आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, उसके लिए सारी लाइब्रेरी में आप क्या भटकेंगे, या फिर आप कुछ और इसका तरीका अपनाएंगे, बहुत सारी बुक्स खरीद लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सारी इंडियन PhD की थीसिस, ठीक है, रिसर्च पेपर सारी आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और वो वेबसाइट कौन सी है तो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे हम NTA UGC नेट से रिलेटेड पेपर 2 ज्योग्राफी और पेपर 1 की जो तो स्ट्रेटेजी वगैरह है उन सभी से रिलेटेड हम बातचीत करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जगह जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन कंटेंट की तरफ, जो आज हमारा वेबसाइट है जिसपे हमें ये सारे PhD के थीसिस वगैरह मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखियो इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट के बारे में दिखाऊंगा कि आप वेबसाइट पर ऐसे जा करके PhD को थीसिस को कितने भी PhD थीसिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की PhD थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं, केवल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कस करूँ आपको कि आप उन PhD थीसिस से किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, और हम इस पे एक लाइव सेशन रखें जिसमें मैं आपको PhD थीसिस से कैसे करके उससे फायदा उठाना है, क्या क्या चीजें उसमें जो ध्यान देने वाली है, आपको अपना PhD टॉपिक के ढूंढते हुए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आपके लिए कौन सा टॉपिक जो है सही रहेगा, इन सभी बातों पर अगर हम आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं आपके साथ एक लाइव सेशन रख के, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना, ठीक है। तो मैं इस पे एक लाइव सेशन रखूंगा जैसे जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे, और लिखना है वहां पर शोध गंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर। सबसे ही पहले मैं क्योंकि टाइप कर चुका हूँ कई बार, तो शोध गंगा यहाँ पर आ गया है, तो मैं शोध गंगा पे क्लिक कर दूंगा और पहले ही जो वेबसाइट आएगी तो पहले आएगी शोध गंगा infibnet.ac.in। अगर आपने infibnet के बारे में अगर आप नहीं जानते, यहाँ पर लिखा हुआ है infibnet, तो आपने हायर एजुकेशन में वैसे अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आपने देखा होगा infibnet के बारे में, ठीक है। तो infibnet के बारे में अगर हम आपको बताएं, उससे पहले शोध गंगा के बारे में थोड़ा सा अगर हम बता देते हैं आपको कि शोध गंगा क्या है, ठीक है। तो अगर शोध गंगा के बारे में आप विकिपीडिया करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि शोध गंगा क्या है, शोध गंगा, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए शोध गंगा पे। अगर कई लोग वैसे नहीं जानते होंगे, वैसे कई लोग जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो ट्रस्ट कर लें एक बार इस पर। शोध गंगा वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है, गवर्नमेंट की नहीं, अभी आपको पता लगेगा। देखिए, शोध गंगा इज अ रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, ठीक है, किसका रिजर्वायर है इंडियन थीसिस के, इज इज अ डिजिटल रिपोजिटरी, ठीक है, थीसिस ऑफ थीसिस एंड डिजर्टेशन, सारे जो डिजर्टेशन है थीसिस है ये उसकी रिजर्वायर है इंडियन यूनिवर्सिटी की, ठीक है। किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो इन्फ्लिपनेट सेंटर के द्वारा मेंटेन की जाती है। इन्फ्लिपनेट जो सेंटर है वो ऑटोनोमस एक बॉडी है किसकी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ठीक
आई होप कि आप इस पे अब समझ गए होंगे और आपको अब ट्रस्ट इस पे ज्यादा बढ़ गया होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूजीसी की ये एक ऑटोनोमस एक बॉडी है, ठीक है, जिसका पहले जो इनिशियल में इनिशियली जो कैंपस हुआ करता था वो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में हुआ करता था, लेकिन 2013 से इसका जो आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल है न्यू, ये मूव कर गई कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर में। पहले अहमदाबाद हुआ करते थे, अब गांधीनगर में जो कि गुजरात के अंदर ही है। अब चलते हैं अपनी शोध गंगा की तरफ, आप कैसे करके इससे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट जाएगी आपको, उस पर क्लिक करना है, शोध गंगा रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इसके मेन होम पेज पे आ जाते हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, यहाँ पे होम, अबाउट अस, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अबाउट अस यहाँ पे पूरा पेज आ जाएगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, शोध गंगा क्या है, क्यों है हम, क्योंकि अब मैं आपको मेन कंटेंट जो हमारा दूसरा है, वाई ज्वाइन, क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्टेड है वेबसाइट है, क्योंकि यूजीसी की वेबसाइट है, इस वजह से हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं ना, ठीक है, पूरा भरोसे वाली वेबसाइट है, यूजीसी की वेबसाइट है ना। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और चीज़ें अगर नीचे देखें आगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर जो पूरे अभी तक जो टेक्स्ट है वो इतनी ज़्यादा थीसिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बड़ा नंबर है यहाँ पर जो कि यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। सिनॉप्सिस हो गए, पीडीएफ फेलोशिप, देखिए सिनॉप्सिस देखेंगे आप यहाँ पे, इतनी सारी सिनॉप्सिस है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है और इतनी यूनिवर्सिटी जो है वो MOU की साइन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप कैसे करके आपको अपना PhD टॉपिक सर्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैं ज्योग्राफी वाला हूं तो मैं ज्योग्राफी की आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो आपको सबसे पहले ये एक सर्च बार दिखाई देगा, ठीक है, इस सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखा है ना सर्च थीसिस इंटू शोध गंगा, इसमें शोध गंगा में शोध करना है, गंगा में कि यहाँ पे भरमार है। तो मैंने जैसे ही एक जियोमोर्फोलॉजी का एक लिख दिया मैंने, मेरे को मेन टॉपिक जैसे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में लाइक थोड़ा सा पता नहीं है ना, तो आपने ऐसे ही अपना कोई भी टॉपिक का नाम लिख दिया। जैसे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का नाम लिख दिया, एक बड़ा उसका एक पार्ट है ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। जैसे ये मैं नाम लिखता हूँ तो थोड़ी देर ये यहाँ पे रिसर्च में ले रहा है टाइम, ठीक है, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, शोध गंगा के यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास नीचे आंसर निकल के आ जाएंगे, जो मैंने कीवर्ड फाइंड किया था उससे रिलेटेड, जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इतने थीसिस, जियोलॉजिकल, जियोलॉजी से, फ्लोरोग्राफी, जियोग्राफी, ड्रेनिस से, फिजिकल से लेके, ठीक है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स, सॉरी थीसिस आ चुके हैं। मेन आइटम जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थीसिस है, यहाँ पे जो थीसिस आपको दिखाई दे रही है ये मेन थीसिस है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थीसिस, वो रिसर्चर कौन थे जिन्होंने थीसिस यहाँ पे अपलोड की है, उनके गाइड का नाम आपको दिखेगा यहाँ पे, 21 अप्रैल 2015 को जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लेमट बेसिन ये थीसिस है जो अपलोड की गई है जियोमॉर्फोलॉजी पे, 21 फरवरी 2014 को वेस्टर्न रेवा अपलैंड स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रसाद उमेश और त्रिपाठी RS इनके गाइड थे, इनके द्वारा ये अपलोड की गई है। तो यहाँ से आप इनको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड करी है ये वाली, आप रैंडमली कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तो मेरा टॉपिक, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो टॉपिक होगा आप उससे रिलेटेड इस पे कीवर्ड फाइंड करना, जितने जितने आपको उससे रिलेटेड आंसर मिलेंगे उन सभी को देखो, प्रीवियस ईयर में लिटरेचर काम कितना हो चुका है, उन्होंने कैसे करके काम किया है, ठीक है, और उन्होंने जो काम किया है उसमें क्या है जो फाइंड अभी करना बाकी रह गया है, क्योंकि हर रिसर्च वर्क में कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, तो उसी पे अपना क्वेश्चन बनाओ, उस पे अगर क्वेश्चन बना करके फिर उसको सिनॉप्सिस बनाओ, उसको सिनॉप्सिस का रूप दो, फिर जाके आप अपना इंटरव्यू में जाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इसका पूरा भरपूर तरीके से फायदा उठाए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, इस पर हम कल या परसों एक लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये PhD की जो थीसिस है वो खुल जाएगी, अभी उसके जितने भी उसमें चैप्टर होंगे PhD की थीसिस में, तो वो सारे ही अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाइटल देखेंगे, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ मिडिल नॉर्थ कोयल बेसिन झारखंड पे किया गया, रिसर्चर कौन थे, यादव ब्रजेश जी थे, उनके गाइड कौन थे, यादव SS सिंह जी थे, ठीक है। इनमें कीवर्ड्स क्या है, देखो कैसे करके इसमें लिखा गया है, एलिमेंट्स, एवोल्यूशन, ठीक है, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोग्राफी, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, उनकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, 2004 में किया था, अब एब्स्ट्रैक्ट इनका नॉट अवेलेबल,
यहाँ पर कितने सारे जो चैप्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टाइटल ऑफ द पेज है, यहाँ पे सर्टिफिकेट उनका दिया है, एक्नॉलेजमेंट है, टेबल कंटेंट है, लिस्ट ऑफ ग्राफ है, ग्राफ सॉरी, और लिस्ट ऑफ फोटोग्राफ एब्रीवेशन है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज खोल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइटल ऑफ द पेज ओपन किया है यहाँ पर, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपको टाइटल ऑफ द पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मध्यवर्ती उत्तरी कोयल बेसिन झारखंड का जलीय भूआकार की, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा ये अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन जियोग्राफी, और यहाँ पर उनके सुपरविजन में जो थे वो लिखे गए हैं, साइड में उनका नाम लिखा गया है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर उनका एनरोलमेंट भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से देखनी है और आप इससे भरपूर तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर इनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आपको एक लाइव सेशन रखवाना है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर लाइव सेशन रख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो धन्यवाद।